हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल दोहायर आज मैं आप लोग के साथ चिकन बर्रा की रेसिपी लाई हूं चिकन बर्रा वैसे तो शादी या फिर किसी पार्टी में खाने को मिलता है अगर हम इसे घर पर ट्राई करते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता कुछ ना कुछ कमी रहती है लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल शादी वाला चिकन बर्रा बनकर तैयार होगा बल्कि इसी चीज अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो सब लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है जो कि बोनलेस है उसको मैंने क्यूब में काटा हुआ है आप चाहे तो चिकन ब्रेस्ट या फिर चिकन थाइस का भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी तरफ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ लिया है जिसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है चार हरी मिर्च लिया है और हैंडफुल कोरिएंडर लीव्स लिया है अब मैं इसको एक जार में डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी बिल्कुल ऐसे अब कुछ पिसे मसाले देख लेते हैं वन टी रेड चिली पाउडर वन टी काली मिर्च का पाउडर वन टी स्पून मसाला हाफ़ टी स्पून चाट मसाला हाफ़ टी स्पून नमक थोड़ा सा सिरमम पाउडर ये ऑप्शनल है थोड़ा सा फूड कलर वन टी इसमें रेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाए अब इन सारे मसालों को हम चिकन में डाल देंगे दो टेबल स्पून इसमें नींबू का रस जाएगा पाँच टेबल स्पून मैंने फेटी हुई दही लिया इसको भी डाल दें और मिक्स कर दें जो मैंने पेस्ट बनाया है उसको भी डाल दें डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद इसमें वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा सबको अच्छे से मिक्स कर लें और कम से कम दो घंटे के लिए फ़्रिज में रख दें अब दो घंटे हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर पहले टिप्स दे रही हूँ जो हमारे चिकन बर्रा को डिलीशियस और जूसी बनाएगा यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून मक्खन लिया है जो मैं अब चिकन में डालूंगी अगर मैं बटर को पहले चिकन में डाल देती तो ये चिकन का मैरिनेशन रोक देता और चिकन को जूसी नहीं होने देता तो अब इस टाइम इसको अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद एक पैन लेंगे पैन में टू टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे अब मैं एक एक करके चिकन इसमें डालूंगी ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए कम से कम दो मिनट के लिए एक साइड हम पकने देंगे जैसे दो मिनट होता है चिकन को हम पलट देंगे दूसरी तरफ चिकन को पलट कर हम हाई फ्लेम पर उसको भी दो मिनट के लिए पकने देंगे जैसे ही दो मिनट होता है वो जो चिकन में हमने मसाला मिलाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके हम चिकन पर डाल देंगे याद रहे ये जो मसाला होता है वो चिकन भर्रा की जान होता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है अब मैं इसको ढक दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम दो मिनट से दो मिनट के लिए पकने दूंगी जैसे ही दो मिनट होता है हम अगेन चिकन को फिर से पलटेंगे और कम से कम चार मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ढककर अब चार मिनट हो चुका है अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पर कम से कम तीन से चार मिनट के लिए इसको अच्छी अच्छी से चार मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि जो मसाला है वो चिकन से बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए उसके बाद चार मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जो मेन टिप्स है उसको करेंगे यहाँ पर मैंने कोयले को गैस पर जला लिया है अब बीच में चिकन के हम एक अलमोनियम फॉइल रखेंगे आप चाहे तो कटोरी भी रख सकते हैं उसके बाद इस कोयले को रखेंगे ये आपको टिप्स जरूर करना है ताकि आपका जो चिकन रहा है वो बिल्कुल शादी वाला टेस्ट दे अब हम उसमें थोड़ी सी घी डालेंगे और ढक कर दस मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप इसको ट्राई करेंगे यकीन मानिए आपका भी जो चिकन बर्रा आप जो बनाएंगे वो बिल्कुल शादी वाला टेस्ट देगा अगर आप चाहते हैं कि आपके चिकन बर्रा में आप जो चिकन बर्रा बना रहे उसमें एक बिल्कुल ग्रिल वाला वो स्पॉट दिखे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो चूल्हे की आंच होती है उस पर एक जाली स्टैंड रख दें और उसके ऊपर जो चिकन बर्रा आपने बनाया है उसको रख कर उसके आंच से स्पॉट देंगे तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल शादी वाला लुक लगता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू